आपके सामने हूँ आज मैं। माशाल्लाह से अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं सर, मेरे 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा 2 नंबर रास्ता आज बताएं आप जी कि ये सारे देखने वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा 2 नंबर तरीका बताएं कि ये लोग वो तरीका लगाएं और सबके चैनल मोनेटाइज हो जाएं। सर 2 नंबर तरीका जो है ना यूट्यूब पे वो है है सर, बिल्कुल 2 नंबर तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, ये सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका दावा है कोई भी चैनल ये चलाएंगी सिर्फ 2 महीने के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगी। आप 3 साल से 4 साल से लगे हो लेकिन 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप भी अपने 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। आखिर इनके पास कौन सा ऐसा 2 नंबर तरीका है कि इन्होंने इतना बड़ा दावा कर रखा है कि ये अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर जो है ना मोनिटाइज करा सकती है और आपका भी करवा सकती है। तो इनके चैनल का नाम है सिद्राज किचन हैक्स। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्रा बहन, जिन्होंने जस्ट 2 महीने के अंदर अपना चैनल मोनिटाइज करवाया यूट्यूब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, आपका दावा है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में सबके चैनल मोनिटाइज करवा सकती हैं, क्या आप में ये काबिलियत है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं इस काबिल हो सकी हूँ। लोग जो भी ग्रो करता है तो लोग कहते थे कि इसकी किस्मत अच्छी है और ये ग्रो कर गया है, किस्मत का कितना हाथ है? सर किस्मत तब साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत के बगैर आपकी किस्मत साथ नहीं देती। देखिए अल्लाह भी कहते हैं कि मैंने आपको दिमाग दिया है, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आप, अल्लाह ताला भी दुआ उस बंदे की सुनता है देखिए जो एफर्ट कर रहा होता है, जो बड़ी एफर्ट से दुआ मांगता है ना, बड़े दिल से मांगता है, दुआ भी उसकी कबूल होती है। तो जब हम कोई काम भी बड़े दिल से करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं ना सर, बड़ी मेहनत से करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है, मैं मानती हूँ। लोग कहते हैं कि यार वो तो लड़की थी, बड़ी प्यारी थी, ये हो गया वो हो गया, इस वजह से ग्रो कर गई। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ लड़कियां कामयाब होती हैं यूट्यूब पर? बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आप लड़की थी, आपने फेस अपना दिखाया तो आपका चैनल मोनिटाइज हो गया। सर मेरा इंटरव्यू मेरी मोनिटाइजेशन के बाद मैंने दिया था, और मैं एक बात आपको बता दूं कि उस वक्त मैंने फेस रिवील नहीं किया था, मुझे कामयाबी मिली थी बिल्कुल बिल्कुल खामोशी से मिली थी, मुझे कोई नहीं जानता था और मेरे चैनल वायरल हो गया था। सर मोनिटाइजेशन के बाद मैंने इंटरव्यू इसलिए दिया था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे आए हुए हैं काम करना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके और वो भी ग्रो कर सकें। तो इस चीज़ को देख के जो इंटरव्यू को देख के आए थे उन्होंने ये सवाल किया था कि आप लड़की थी, आपने अपना फेस दिखाया तो आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, तो सर ये बिल्कुल गलत है। आप कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, आप अपनी लगन से, आप अपने सीखने, आपका सीखने का तजर्बा जो होता है। सर मैं 3 साल से YouTube पे थी, पहले मेरा व्लॉगिंग का चैनल था। सर अगर मुझे कामयाबी मिलनी थी, मैं फेस दिखाती थी डेली, मैं व्लॉग अपलोड करती थी, तो तब क्यों नहीं मुझे कामयाबी मिली? तब मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ मुझे नहीं, मैंने सीखा हुआ भी कुछ नहीं था, थंबनेल लगाना मुझे नहीं आता था, सेटिंग्स के बारे में मुझे चैनल की नहीं पता थी, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पाई सर। तो अब मैं सब कुछ जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वीडियोज देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद जब मैंने सर ये चैनल बनाया तो मुझे इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है, आप लोगों के सामने है रिजल्ट। और सिर्फ 2 महीने कोई टाइम नहीं होता सर, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम लोगों के लिए पहाड़ जैसा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नया चैनल बनाने के बाद ये चीजें मैंने सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट की है। 2 दिन के अंदर, 2 साल 4 साल लगे रहते हो और आपने 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया। सलाम पेश करता हूं मैं आपको, गुड जॉब। कौन सी ऐसी जादुई एप्स हैं जो इनको सीखनी चाहिए, व्यूअर जो देख रहे हैं आपको, जो आप यूज करती हैं और आपने जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया, कौन कौन सी एप्स हैं जो आप यूज करती हैं? थंबनेल किस तरह से बनाती हैं और आप माइक कौन सा यूज करती हैं और आप वीडियो कौन से मोबाइल से बनाती हैं? तो पहले मैं उनको ये बता दूं कि मेरे पास सबसे सस्ता तरीन मोबाइल है, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाने का तरीका आना चाहिए आपको,
थंबनेल बनाने का तरीका आना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं आपके पास कीमती आईफोन होगा तो आप कामयाब होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरुआत करें, आपको कामयाबी अल्लाह ताला देगा, आप सीखें, सीखने से आती है। और दूसरी बात सर, एक ऐप है यू टैग यू जो आपने बताई थी अपनी वीडियो में, उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा थंबनेल के लिए मैं पिक्सल लैब यूज़ करती हूँ सर, थंबनेल उससे बनाती हूँ। और सिंपल मोबाइल है मेरे पास, कोई ऐसा बड़ा कीमती मोबाइल नहीं है जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ। और हाँ, मेरी एफर्ट बहुत होती है। अच्छा, लोग कह रहे हैं साहिल की आप कोई रिश्तेदार लगती हैं, तो उसने आपको ग्रो करवाया, इसमें क्या हकीकत है? सर कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी आपकी। मैंने एक कमेंट आपकी वीडियो के नीचे किया था कि सर मैंने आपसे सीख के अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन हो गई है मेरी चैनल की, तो आपने फिर वो मेरा चैनल चेक किया था और आपको अच्छा लगा था मेरा चैनल, उसके बाद आपने मुझसे एक कॉन्टेक्ट किया था कि ये आपको फील हुआ कि वाकई इसने मेहनत की है, इसने वो चीज़ें अप्लाई की हैं जो मैं सिखा रहा था, तो उसके बाद आप मेरे चैनल को आपने विजिट किया और फिर आपने मेरा इंटरव्यू किया। जो पहले करती थी क्या करती थी, और ये जो आइडिया हैक्स का है ये कैसे आया आपके जहन में? सर पहले 3 साल पहले मैंने YouTube पे मैं आई थी, पहले मेरा चैनल व्लॉगिंग का था सर, उसकी सेटिंग्स नहीं थी, कुछ नहीं था, थंबनेल बनाना नहीं आता था, बस वीडियो अपलोड करती थी, वो भी सर नहीं सही तरीके से करती थी जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था। उसके बाद सर मैंने दोबारा वो चैनल छोड़ दिया, उसकी वेरीफिकेशन नहीं थी सर, वो मेरे हाथ से निकल गया, पासवर्ड याद नहीं था। उसके बाद मैंने 1 साल के बाद फिर से नया चैनल बनाया कुकिंग का सर, वो उस पर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हुआ कि उस पर मैंने व्यूज़ की खातिर कि मेरा चैनल डीमोनिटाइज हो जाए, मैं सफर सब पे चली गई, मैंने वहां से व्यूज भी लेने शुरू किए, वहां से मैंने सब्सक्राइबर भी गेन किए, लेकिन सर जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, वॉच टाइम मेरा सिर्फ 500 था और वो गेन नहीं हो रहा था, तो सर वहां से मुझे बहुत टेंशन हुई कि मेरा वॉच टाइम अब कैसे पूरा होगा। तो सर मैंने वीडियोस सर्चिंग शुरू कर दी यूट्यूब पे, मेरी अल्लाह की तरफ से आपकी वीडियो मेरे सामने आई, और मैंने अब आपकी वो वीडियो में आपने बताया था कि आपका चैनल सब फॉर सब कर रहे हैं, तो आपका चैनल अगर डेड है तो उस पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है सर। सब फॉर सब वाला चैनल वाकई डेड हो जाता है और फिर उसमें आप जितनी भी एफर्ट कर लें वो नहीं हो सकता दोबारा, तो मैंने वह चैनल उसी टाइम छोड़ दिया था और मैंने दोबारा दूसरा चैनल नया, आपकी सारी सेटिंग्स देखने के बाद, आपकी सारी वीडियोस देखने के बाद नया चैनल बनाया जो कि हैक्स का चैनल है। वीडियो मैंने देखी थी आपने जिस वीडियो में बताया था कि कुकिंग का बहुत टफ कंपटीशन है और कुकिंग की जो चैनल हैं वो बहुत कम अब वायरल होते हैं, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो आपने कहा कि हैक्स के चैनल पे अगर कोई इस टाइम वीडियो बनाएगा तो उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और सर मैंने वाकई वो उस पर फॉलो किया और मैंने बना के देखा। आपने 2 दिन के अंदर वॉच टाइम कम्प्लीट किया, ठीक है, लोग 2 साल यहाँ पे पड़े रहते हैं जी, ऐसा 2 नंबर रास्ता आज बताएं आप जी कि ये सारे देखने वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा 2 नंबर तरीका बताएं कि ये लोग वो तरीका लगाएं और सबके चैनल मोनेटाइज हो जाएं। सर 2 नंबर तरीका जो है ना यूट्यूब पे वो है सर, बिल्कुल 2 नंबर तरीका है, आप फेक सब्सक्राइबर ले लें, आप वॉच टाइम खरीद लें, आपका चैनल दिनों में मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन सर आप YouTube पे इसलिए आते हैं ना कि आप पैसा कमा सकें, तो आप वहां से पैसा कभी भी नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि आपको चाहिए होते हैं व्यूज़, जो कि आपके फेक सब्सक्राइबर आपको कभी भी नहीं देते, ना आपका वो सपोर्ट करेंगे, ना आपका वॉच टाइम पूरा होगा, वॉच टाइम भी आप बाय करके देख लें, लेकिन जब उसके बाद आपके चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आप कैसे अर्निंग करेंगे? तो सर इसीलिए फिर मैं आज सबको मशवरा दूंगी कि कोई ऐसा फेक तरीका नहीं होता, कोई ऐसा 2 नंबर तरीका यूट्यूब पर नहीं होता, आप अपनी मेहनत करेंगे, सीखेंगे YouTube को तो कामयाब। आपने कौन सी मेरी वीडियो देखी जिससे आपका चैनल अप हुआ, इनको बताएं वो वीडियोस। सर मैं आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रही, आप डिजर्व करते हैं, मैंने आपसे सीखा सर, आप डिजर्व करते हैं। आपकी 12 सेटिंग्स वाली वीडियो मैंने देखी थी, मैंने अपना चैनल बनाने से पहले वो पूरी वीडियो वॉच की, उसके बाद मैंने वो अप्लाई की, ठीक है, आपकी 12 सेटिंग्स मैंने अप्लाई की, यकीन नहीं करेंगे आप, उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मेरे चैनल पे आया था कि आपके सामने हूँ आज मैं। माशाल्लाह से अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं सर मेरे 12,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एक आपकी 12 सेटिंग वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त है,
नया चैनल बनाने से पहले आप लोग जरूर जाके वॉच कीजिए 12 सेटिंग वाली वीडियो। और दूसरा सर, आप थंबनेल बनाना सिखाया था सर ने, आप जाएं वहां जाके थंबनेल बनाएं। आपका थंबनेल परफेक्ट होगा तो लोग आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे, और थंबनेल ही नहीं आपका अच्छा होगा, आपने थंबनेल में थंबनेल की कलर ग्रेडिंग, थंबनेल के ऊपर जो राइटिंग आप करते हैं वो ऐसी करें कि लोगों का दिल करे कि वो आपकी वीडियो ओपन करके चेक जरूर करें। जब आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ना तो आपका चैनल खुद बूस्ट। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों ने 12 सेटिंग लगा रखी है, उनके चैनल नहीं चल रहे, और मेरी कई सारी वीडियोस देखी उनके चैनल नहीं चल रहे। आप ग्रो कर गई वो नहीं किए, उनका हल क्या है? सर मैं उनसे यही कहूंगी कि उनमें कुछ कमी रह गई है सीखने में। सर सिर्फ 12 सेटिंग वाली वीडियो नहीं, मेरा ख्याल है कि आपकी सारी वीडियोस देखें, वो जाकर सीखें कि वो क्या कमी कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ उनकी वीडियो में कमी है, क्या परफॉर्मेंस में कमी है। तो सर सीखने में उनको काफ़ी कुछ सीखना है अभी। तो 12 सेटिंग्स लगाने के बाद भी सर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई करनी पड़ती हैं, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। अगर आप इनमें से भी मिस्टेक कर रहे हैं तो भी आपकी वीडियो सर वायरल नहीं होती। टोटल व्यूज है यूट्यूब, जहां पे भी चूकोगे ना फिर ना 12 सेटिंग हेल्प करेगी, कुछ भी नहीं करेगा। मेन चीज आपका टॉपिक है, टॉपिक सिलेक्ट ही लोग गलत करते हैं। अब आप हमें कोई जादुई ट्रिक्स बताएं, पहली वीडियो आपने अपलोड की 10वीं की 12वीं की, कौन सी वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो पे आपने क्या अप्लाई किया था? सर आपने मुझे एक वीडियो में आपने बताया था कि आप अपने चैनल का थंबनेल ऐसा बनाएं कि जिस जो देखकर लोग क्लिक ज़रूर करें। देखें क्लिक इम्प्रेशन जो होता है ना वीडियो का, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सर मैंने उसके ऊपर मैंने झाड़ू की एक वीडियो बनाई थी सर, मुझे उस पर खुद भी बहुत हंसी आई थी, लेकिन मैंने झाड़ू का थंबनेल भी बनाया, उसी तरीके से बनाया, कुछ डिफ़िकल्ट उसमें लगा के बनाया कि लोगों को पता चले कि ये कुछ डिफरेंट सिखा रही हैं। तो सर वो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी, माशाल्लाह से 30,000 सब्सक्राइबर उससे मुझे, 30,000 व्यूज के बाद सब्सक्राइबर भी उससे 1200 मिले, और 3500 का वॉच टाइम भी मुझे उस वीडियो के बाद मिला। लेकिन सर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरी एक और वीडियो वायरल हो गई थी 3 दिन के बाद, जो कि चाय में प्याज, चाय की पत्ती प्याज में मिलाने वाली वीडियो थी मेरी, वो थंबनेल भी बहुत लोगों को पसंद आया था सर, उसने माशाल्लाह से 5,00,000 व्यूज पकड़े। ये आइडियाज आपको कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे आइडिया ही नहीं लोगों को मिलता कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। अब जो किचन हैक्स आप कर रही हैं तो यहाँ पे यूट्यूब सिखाएंगी तो आपका चैनल तो डेड होगा, यही ये गलतियां करते हैं। फिर कहते हैं कि जी ये कर लिया वो कर लिया, हमारा कख नहीं बना। आइडियाज रिसर्च करनी पड़ती है, कहाँ से करती हो रिसर्च बताओ जरा इनको? सर YouTube आपको खुद सब कुछ सिखा रहा होता है, आप YouTube पे काम करने आते हैं ना तो YouTube आपको खुद सिखाता है कि आपने कैसे YouTube पे काम करना है। आप सर्चिंग करें, मैंने सर रात को 12-12 बजे भी और दिन में भी YouTube पे सर्चिंग की है, बहुत ज़्यादा सर्च किया, दिन रात मैं सर्चिंग करती थी कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है। कोई अगर वीडियो मैं अपलोड कर रही होती थी बनाने से पहले, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सर उस पर सोच करके, ये मेरी वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, इसके इसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, इसका टाइटल कैसा होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ इसमें मैं बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। तो सर मैं ऐसी वैसी वीडियोस नहीं बनाती, डेली के डेली अपलोड कर फजूल वीडियोस पे ध्यान नहीं देती। मैं एक वीडियो बनाती हूँ चाहे मुझे 2 दिन लग जाएं, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत स्ट्रगल करती हूँ सोच कर और बहुत दिमाग लड़ा कर, उसके बाद मैं वीडियो। जो लोग नए आ रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कामयाबी के लिए उनके लिए क्या नुस्खा है वो आप प्लीज बताएं, या जो पुराने जिनके चैनल नहीं चल रहे वो उनको क्या करना चाहिए, ये दो चीजें बताएं फिर वाइंड अप करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, अगर आप लोग पहले सफर सब कर रहे थे या फिर आपका चैनल डेड हो चुका है और आपको उस चैनल से फायदा नहीं मिल रहा, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो प्लीज उस चैनल को छोड़ दें। कोई टाइम नहीं लगता है नया चैनल बनाने में, मैंने अपने दूसरे चैनल पे बहुत मेहनत की थी, दिन रात मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई, अपलोड की, बहुत अच्छे थंबनेल बनाए, सब कुछ किया, लेकिन मेरा वो चैनल नहीं चल रहा था, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे उसमें कामयाबी नहीं नज़र आ रही थी, मुझे नहीं लगता था कि वो कामयाब होगा। उसको छोड़ने के बाद मैंने अपना चैनल बनाया, यकीन करें हम सोचते हैं कि हम इस पर काम करेंगे तो हमें सालों लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में मेरी वीडियो वायरल होगी उस नए चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग अगर यही गलतियाँ कर रहे हैं जो कि मैंने पहले थी, आप लोग प्लीज उस गलतियों को छोड़ दें, छोड़ दें सारी चीजें, फेक चीजों की तरफ जाना छोड़ दें,
आए साहिर सर से सीखें, उनकी वीडियोस से सीखें। मैंने सीखा है, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं समझती कि मैं कामयाब हुई हूँ तो और कोई कामयाब नहीं होगा। ज़रूर होंगे, सब कामयाब होंगे, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो आप दिल लगा के सीखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप वीडियोस देखकर भी सीखना नहीं चाहते तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत इनको कामयाब नहीं कर सकती अगर ये YouTube से नहीं सीखते। तमाम वीडियोस का लिंक मैं जो जो इन्होंने बताई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। आपका बेहद शुक्रिया। एक फ्रेंकी में आपने इनको कहना है अल्लाह तआला को कामयाब करे, अल्लाह तोहा को कामयाब करे। शुक्रिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।